ये फिल्टर क्या है, अभी अंदर से डस्ट को फिल्टर करता रहता है, तो ये डस्ट का रेशो कम हो जाता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग जैसे सांस ले रहे हैं ना, और कपड़े हैं और या कोई भी चीज़ उठाएंगे, तो उसके ऊपर से वो डस्ट जो छिटकेगा वो एयर के अंदर उड़ता रहेगा। जैसे ही बॉन्डिंग के लिए लेके आएंगे पैनल पे, अगर लाइट के अंदर देखोगे ना गौर से, ये देखिए लाइट के अंदर देखते ही देखो ये उड़ रहा है, ये देखो उड़ रहा है ना, ये दिख रहा है, इसके अंदर भी देख सकते हो आप, ये देखो ये उड़ रहा है, ये देखो ये डस्ट उड़ रहा है ना, ये डस्ट भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। रीज़न इसका ये है कि इस डस्ट को जब जूम करके देखेंगे हम माइक्रोस्कोप में, वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, और वो एक ट्रैक के बीच में अगर इसके बॉन्डिंग के बीच में आ गया तो वो आपको कनेक्टिविटी को रोक देगा, बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा वो। उससे बचने के लिए हमें रूम के अंदर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, एटमोसफेयर क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा, कि पैनल का साइज कितना है उसी के अकॉर्डिंग वो आपसे पैसे लेते हैं। एग्जाम्पल अगर 32 इंच का है और एक ऑफ खराब है और एक ऑफ लगाना है, तो नॉर्मली वो 1000 रुपये भी ले सकते हैं, 1200 भी ले सकते हैं, 1500 भी ले सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम रेट में यानी 700-800 में भी कर देते हैं अगर कॉफ मिल जाता है तो, और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर कंपनियां काम है क्वांटिटी में है तो वो अपने अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं सब लोग। लेकिन उसका जॉब क्या होती है, मात्र क्लीन किया उसने और उसको बॉन्ड कर दिया, मशीन के अंदर कितना ज़्यादा करंट यूज हुआ होगा, कितना बिल आएगा, मुश्किल से आधा यूनिट, अगर आप 1 यूनिट 2 यूनिट मुश्किल से एक दिन पूरा दिन जब चलाते हो, और इसके अंदर 10 से 15 20 टीवी आराम से ओके कर सकते हो, अगर एक टीवी के अंदर आपको 800 रुपये 1000 रुपये बचते हैं, तो सोचो कि मशीन के ऊपर आप पूरा दिन काम करते हो और सही तरीके से काम करते हो, तो 8-10 हज़ार रुपये एक दिन के अंदर आप सिर्फ ऑपरेटिंग के कमा लेते हो, ठीक है। इसलिए आपको, आपने देखा होगा कि अलग अलग एरिया के अंदर जो मशीनें लगी हुई हैं किस तरीके से वो परफेक्ट काम कर, अगर निकाल लेंगे थोड़ा सा तो इसके अंदर से ये ग्लू ग्लू दिखाई देगा, दिखने में तो ये ग्लू जैसा ही है, ये दिख रहा है थोड़ा सा ग्लू सा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना ये ग्लू सा। इस ग्लू को सही दबाव, देखो चिपक भी गया ये, थोड़ा सा टेम्परेचर दे के अगर सही इसको दबाव देंगे तो ये मशीन के ऊपर बॉन्ड हो जाएगा, वो बॉन्डिंग भी दिखाएंगे आपको कैसे बॉन्डिंग होती है। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये पिक्सल किस तरीके से अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये बॉन्डिंग की है, ये तो बॉन्डिंग का थोड़ा सा बाद में बताएंगे। ठीक है, ये आ गए वापस ट्रैक पे। अब इसके अंदर ये ट्रैक जाता कहाँ है, ये देखिए, अगर हम इस ट्रैक को, ये जो बॉन्डिंग होने के बाद ये नंबर डले हुए हैं, देखो कितने छोटे छोटे नंबर डले हुए हैं, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन होता है ना स्क्रीन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रैक की काउंटिंग होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ये कॉइल टाइप का बनाया और ये देखो आगे तिरछा होके आगे चला गया, आगे जाने के बाद कहाँ जाएगा अब ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया ना, यहाँ आने के बाद में, हाँ अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखिए नीचे का है, नीचे का भी मैं दिखाऊंगा, और ऊपर से अभी ऊपर की लाइट है, ये मैंने ऊपर की लाइट बंद कर दी तो ये नीचे से लाइट आ रही है, जब नीचे से लाइट आएगी तो हमें सारी चीज़ें एक दिखाई दे रही हैं, हमें ये नहीं पता है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, डिफरेंस नहीं पता ना, लेकिन हमें डिफरेंस पता चल रहा है जब ऊपर की लाइट को बुझा देते हैं नीचे वाली जला देते हैं, हमें पता चल रहा है कि ये लाइन यहाँ ऊपर से जा रही है और ये नीचे वाली नीचे से, एक्चुअल में ये स्पेयर लाइन बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज, जैसे हम लेजर से जब रिपेयर करते हैं तो ये स्पेयर लाइन है, स्पेयर लाइन से ही काट के हम छठे नंबर से उसको डाल देते हैं, अगर RGB है तो, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे आपकी ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये और प्रिंटिंग हो रखी है, यहां से आपका ये गया, एक और मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 40 पे ले आता हूँ, ठीक है, यहां से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, ये रहा। एक्चुअली थोड़ा सा व्यूइंग एंगल स्क्रीन का ऐसा हो रहा है ना, सही कलर भी नहीं दिख रहे हैं,
ठीक है। अब ये आपका आपको क्या दिख रहा है, क्या है ये क्या है? गेट है गेट क्या है ये? गेट गेट जहां जंक्शन बनता है। अब यहां पे ये चीज जो मेन है, अगर आप इसको देखोगे कि यहां पे जो जंक्शन बनता है ये प्रिंट किस तरीके से कर रखा है, यहां से ये इसके ऊपर से जो क्रॉस कर रहा है नीचे वाली को, तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज टाइप का दिखाई दे रहा है कि छोटा सा पुल बना रखा है। पुल इसलिए बना रखा है क्योंकि ये आपस में टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, उसे बचाने के लिए इसके बीच में कुचालक है और उसके ऊपर से कुचालक के ऊपर से पैड बना के ऊपर से गुजार रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने गेट बना के जो ये वाला ग्राउंड या कोई अलग से ट्रैक है जिसके साथ में इसको यहाँ पे फिल्टर कर रखा है, ठीक है। अब ये बहुत सारी जगह से, जैसे अभी गौर से अगर देखेंगे ना, ये देखिए ये नीचे वाले के साथ स्पार्क है, इसको थोड़ा सा और ज्यादा अगर जूम करके देखेंगे ये देखिए, इसके अंदर ये आपका 2000x हो गया, नॉर्मल इमेज से 2000x, यानी कि यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रैक इंटरनली कहीं ना कहीं से मॉइस्चर या जंग या स्पार्क होके शॉर्ट हो रखा है। तो इस टाइप की शॉर्टिंग हम लेजर से निकालते हैं, लेजर से इसको ठीक करते हैं, ठीक है। वापस मैं छोटे जूम पे ले आता हूँ क्योंकि वो समझना है ऐसे, ठीक है। ये अदर लाइन है आपकी, एक्स्ट्रा कई बार यूज कर लेते हैं इनको काटने के लिए भी। ये यहाँ से पिक्सल स्टार्ट होता है, ये एक पिक्सल है ये वाला, और एक पिक्सल का पैटर्न कितना होता है आरजीबी के अंदर? आरजीबी को ही तो पूरा पिक्सल, एक रेड ग्रीन ब्लू कितने हो गए? रेड पिक्सल, ब्लू पिक्सल, ग्रीन पिक्सल, और तीनों एक पैटर्न के अंदर होते हैं, तीनों एक साथ, या तो ग्रीन जलेगा ब्लू जलेगा या तीनों एक साथ जलेंगे। अगर तीनों एक साथ जलेंगे तो उसके अंदर क्या कलर बनेगा? आरजीबी अगर इकट्ठा जलाते हैं तो क्या कलर बनता है? व्हाइट। क्या बनता है? व्हाइट। व्हाइट। और अकेले अकेले जलेंगे तो अकेला कलर तो उनका अकेला ही है, रेड का रेड है, ग्रीन का ग्रीन है, ब्लू का ब्लू है। हाँ, येलो अगर जलाना है तो इसके अंदर एक को खत्म कर देंगे, दो एक साथ जलेंगे, दो दो का भी पैटर्न है उसका, वो अलग अलग कलर बनाएगा। तो सारे कलर हम इन्हीं से बनाते हैं। आप ये ग्लू सा दिख रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा ये ग्लू दिख रहा है, इस ग्लू के अंदर कंडक्टिव पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं अलग से ही दिखा देता हूं उसे। अभी आपको दिख रहा है थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है ना, अजीब से बॉल से थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ज्यादा जूम करते हैं, तो अब थोड़ा सा लगा कि हाँ थोड़े थोड़े बॉल से नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना ऊपर की लाइट में। अभी हमारे पास एक ऑप्शन नीचे वाला भी है, तो नीचे वाले ऑप्शन के अंदर अब हमें बॉल अलग से दिखाई देने लग गए, दिख रहे ना बॉल्स, ये ग्लू के अंदर है, जो हमारा ग्लू होता है उसके अंदर। और ये अभी 20x है, मैं इसको 40x अगर करता हूँ, ये देखिए अब तो लगा ना कि ये बॉल है, दिख रहा है ना। अब ये ऊपर की रोशनी है और ये नीचे की रोशनी, नीचे की रोशनी के अंदर ये क्या होगा, ये बॉल ब्लैक दिख रहे हैं हमें। अगर आपको थोड़ा सा वो लग रहा है तो मैं इसको चला के दिखा देता हूँ टेप पे, ये देखो। हाँ, जो ये बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं, ये बॉल्स एक ट्रैक, जैसे ये ट्रैक है, इस ट्रैक के अंदर ये बॉल कनेक्टिविटी देते हैं, बॉल जैसे बैरिंग के अंदर बॉल होते हैं ना, ऐसे ही बॉल है ये। और ये एक ट्रैक के अंदर लगभग 40-45 के आसपास या 45 से ज़्यादा, एक ट्रैक के बीच में, अब ये देख रहे हो ना, एक नीचे का ट्रैक है और एक ऊपर का कॉफ है, तो ये इसके ऊपर जो बीच में आते हैं ये बॉल्स होते हैं, वो बॉल्स ये वाले हैं जो आपको ये दिख रहे हैं,
और मशीन परफेक्ट टेम्परेचर और परफेक्ट दबाव, मशीन का काम है उसको अलाइन करना, सही ट्रैक सही पे मिलना चाहिए और उसको सही तरीके से दबाव और सही तरीके से टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग मशीन उसको दबाव और टेम्परेचर देती है और उसको बॉन्ड कर देती है। अब इसकी कॉफ की क्लीनिंग होती है, जो आपकी पुरानी टेप लगी हुई है उसकी क्लीनिंग करेंगे, टेप लगाएंगे वहाँ पे। टेप लगाने के बाद में यहाँ बॉन्डिंग के लिए लेके आते हैं, ठीक है। अब जैसे वो वहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, पीसीबी साइड क्लीन करेंगे, ग्लास साइड क्लीन करेंगे और उसको क्लीन करके और टेप लगा के टी बिट करेंगे। टी बिट करना होता है ताकि टेप का ग्लू जो है वो कॉफ के ऊपर चिपक जाए, और जब उसके ऊपर प्रोडक्शन होता है वाइट उसको उतारेंगे तो ग्लू उसके ऊपर टिका रहेगा, इसलिए टी बिट करते हैं उसको, ठीक है। टी बिट एक आयरन है जो आपका 100, 150, 200 डिग्री पे आपका गर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके अलाइनमेंट करते हैं मशीन के ऊपर, जो आपका कॉफ लगा हुआ है, मान लो ये कॉफ है तो इसके ऊपर ये कॉफ अलाइन करते हैं सही जगह पे बिठाने के। अलाइनमेंट क्या होते हैं, जैसे ये आपका ग्लास है और ये आपका कॉफ है, इसको सही जगह अलाइन करने के लिए, सही जगह ताकि वो ट्रैक टू ट्रैक आ जाए, वो माइक्रोस्कोप लगे हुए हैं मशीन में। माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, जैसे हमने माइक्रोस्कोप में वहां पे देखा कि ट्रैक ये है, बॉल ये है, आइडेंटिफाई किया ना, ऐसे ही मशीन के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक नंबर ट्रैक से एक नंबर, दो नंबर से दो नंबर, सारे ट्रैक टू ट्रैक आ गए। फिर हमने उसको प्री बॉन्ड किया मशीन के ऊपर। प्री बॉन्ड करने का मतलब होता है उस ट्रैक को पक्का कर लेना कि ये सही जगह पे पक्का बैठ गया, और उसके बाद फाइनल बॉन्ड कर देंगे। फाइनल बॉन्ड के अंदर वो उसके अंदर चिपक जाएगा, बॉन्ड हो गया। चिपकने के बाद में फिर पीसीबी साइड होगा तो पीसीबी साइड लगाएंगे।